वेलकम ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? इस वीडियो में फोर्थ क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के चैप्टर नंबर 24 होम एंड अब्रॉड दूर देश की बात के पार्ट वन में आप जानेंगे कि चिटप्पन का परिवार अपने देश से विदेश कैसे गया और क्यों गया, वहां पर उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने अपने देश और विदेश में क्या क्या अंतर देखा। चिटप्पन के परिवार की विदेश की कहानी को जानने के लिए आप अपनी ईवीएस की बुक का पेज नंबर 191 ओपन करें या इसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। टुडे देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज एट मालूज हाउस। आज मालू के घर में बहुत चहल पहल है। चिटप्पन एंड हिज फैमिली वर कमिंग होम आफ्टर 5 ईयर्स। चिटप्पन और उनका परिवार 5 साल बाद घर आए हैं। 5 ईयर्स अगो चिटप्पन हैड गॉट अ जॉब इन द कैपिटल सिटी ऑफ यूनाइटेड अरब इमरात्स कॉल्ड अबू धाबी। 5 साल पहले चिटप्पन की नौकरी अबू धाबी में लगी थी। Since then he had lived there. तभी से वे वहीं रह रहे हैं। मालू एंड हर आपा वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम। मालू और उसके अप्पा चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए। After the plane landed, the passengers had to wait for some time to collect their luggage. हवाई जहाज के पहुंचने के बाद सभी यात्रियों का सामान उतारने में काफ़ी समय लग गया। एट लास्ट चिटप्पन कुंजुमा एंड देयर टू चिल्ड्रन कुड बी सीन कमिंग आउट। हाउ बिग शांता एंड शशि हैव ग्रोन, अप्पा सेड। आखिरकार चिटप्पन कुंजुमा और बच्चे हवाई अड्डे से बाहर आते दिखाई दिए। शांता और शशि कितने बड़े हो गए हैं, अप्पा एकाएक बोल पड़े, क्योंकि 5 साल पहले जब ये बच्चे यहाँ से गए थे तो छोटे थे। सून द मैनी सूटकेसेस एंड बैग्स वर फिटेड इनटू द टैक्सी एंड एवरीवन वाज ऑन द वे टू मालूस हाउस। सारा सामान टैक्सी में रखा और सब चल दिए मालू के घर की ओर। शांता, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी, अप्पा टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज फार फ्रॉम इंडिया, सेड मालू। शांता, तुम इतने लंबे सफ़र के बाद बहुत थक गई होंगी, अप्पा बता रहे थे कि अबू धाबी भारत से बहुत दूर है, मालू ने कहा। वी आर नॉट टाइट इवन दो इट इज़ फार, आवर फ्लाइट टुक ओनली 2 आवर्स, सेड शांता। द प्लेन फ्लाइज वेरी फास्ट। अरे नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं थके, माना अबू धाबी यहाँ से बहुत दूर है, पर हवाई जहाज से पहुँचने में हमें 2 ही घंटे लगे। हवाई जहाज बहुत तेज हो उड़ता है, शांता बोली। मालू वाज सरप्राइज्ड, शी रिमेंबर्ड दैट व्हेन शी हैड गोन ऑन अ स्कूल ट्रिप टू चेन्नई दे हैड स्पेंट ऑलमोस्ट 12 आवर्स इन द ट्रेन। मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब वो अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे। एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्ड क्वाइट नियर, लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोची बहुत पास दिखाई देते थे। मालू शांता एंड शशि चैटर्ड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट।
हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू रिमेम्बर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप्स। मालू को याद आया कि वो जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। शी वांटेड शांता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी। वो शांता से भी पूरे सफ़र की बात जानना चाहती थी। डस्ट ऑल अराउंड रेत ही रेत। डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन आस्क मालू। मालू ने पूछा क्या तुमने हवाई जहाज से बहुत सी मज़ेदार चीज़ें देखी। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वॉज फ्लाइंग सो हाई इवन हायर देन द क्लाउड्स सेड शांता। हाँ ज़्यादातर हवाई जहाज से बादल ही बादल दिखाई दिए क्योंकि हवाई जहाज बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था। बट बिफोर इट वेंट सो हाई वी कुड सी दैट वी वर फ्लाइंग ओवर सैंडी एरियस। इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी। इट वॉज सैंड वट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग वाइट ब्राउन येलो रेड ब्लैक। पर रेत का रंग बदलता रहा कभी सफ़ेद कभी भूरा तो कभी पीला लाल या काला। सा माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड दे आर कॉल्ड सैंड डंस एडेड शशि। उन्हें रेत के पहाड़ भी दिखाई दिए इन्हें रेत के टिल्ले भी कहते हैं शशि ने आगे कहा। आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सीशोर सेड मालू। मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है मालू बोल पड़ी। देन यू शुड कम टू विजिट अस सेड चिटप्पन। तब तो तुम्हें अबू धाबी जरूर आना चाहिए चिटप्पन बोले। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन अ डिजर्ट एरिया। उन्होंने बताया कि अबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं। इवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटल अवे फ्रॉम द सिटी वन कैन सी माइल्स एंड माइल्स ऑफ सैंड नो ट्रीज नो ग्रीनरी जस्ट सैंड। शहर से थोड़ी ही दूर जाओ तो चारों ओर दूर दूर तक रेत ही रेत दिखाई देती है ना कोई पेड़ ना ही हरियाली केवल रेत। बच्चों आप जरा सोच कर देखें कैसा होगा अबू धाबी का इलाका जहाँ पर हरियाली नहीं है पेड़ नहीं है केवल रेत ही रेत है। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला सेड कुंजुमा। केरल में बने अपने घर के आसपास की हरियाली और ठंडे पानी को मैं बहुत याद करती थी। अब यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है कुंजुमा बोली। आपने जाना कि चिटप्पन का परिवार 5 साल पहले इंडिया से अबू धाबी चला गया था 5 साल बाद वापस इंडिया आ रहा है। वे लोग एरोप्लेन से वापस आए मालू और उसके अप्पा चिटप्पन के परिवार को लेने हवाई अड्डे गए थे। मालू चिटप्पन के बच्चों शांता और शशि के साथ एयरपोर्ट से घर तक बातें करते हुई आई। मालू शांता और शशि से जानना चाह रही थी कि हवाई जहाज से नीचे क्या क्या दिखता है और ज़मीन कैसी लगती है। शांता और शशि ने मालू को बताया कि जहाज से नीचे रेत ही रेत दिखाई दे रहा था। आगे की जानकारी अगले पार्ट में।
थैंक्स अलॉट।